सरकारी स्कूल का जिक्र आते ही पुराने कमरे, दरी और आंगन पर बैठे छात्र, पानी और बिजली की बदहाल व्यवस्था और स्कूल परिसर में भ्रमण करते आवारा पशु आंखों के सामने घूमने लगते हैं। पर हम आइए आपको ले चलते हैं झाबुआ जिले की एक ऐसे सरकारी स्कूल जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। जी हाँ, अगर आपको कोई कहे कि एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहाँ एडमिशन के लिए बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल आते हैं तो आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। पर हम आपको ऐसे ही एक झाबुआ जिले की उत्कृष्ट शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय झकनावदा की ओर ले चलते हैं, जहाँ कमरों और विद्यालय भवन की दीवारों पर शानदार पेंटिंग से बनी हुई, जिसमें फ्लावर्स नेम, फल फ्रूट के नेम, गिनती पहाड़ा आदि बनाए गए। साथ ही स्कूल में आरओ की मशीन लगाकर छात्रों के पीने के लिए साफ पानी, बच्चों के खेलने के लिए कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, बैट बल्ला, सोशल मीडिया एक्टिविटी के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर जैसी विशेष व्यवस्थाएं हैं, तो इस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा ही कुछ हो रहा है झकनावदा शासकीय उत्कृष्ट बालक प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ यह प्राइवेट स्कूल को छोड़कर एडमिशन के लिए सरकारी स्कूल में होड़ लगी रहती है। आपको बता दें कि इस विद्यालय को शासकीय स्कूल से प्राइवेट स्कूल बनाने में शिक्षक प्रधान अध्यापक हेमेंद्र कुमार जोशी ने ठान लिया था कि स्कूल को प्राइवेट स्कूल जैसा बनाना है और आज यह तस्वीर उभरकर जिले के झकनावदा में सामने आई है। और आपको यह भी बता दें कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ सोशल एक्टिविटी, धार्मिक गतिविधि और सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत सहित कई क्लास लगती है। इस स्कूल की कई बार प्रशासन द्वारा सराहना भी की गई है। इसके साथ ही नव वर्ष स्कूल के शुभ आरंभ में समस्त स्कूल बच्चों को तिलक लगाकर आगवानी की गई। साथ ही स्कूल छात्र छात्राओं के बालकों को स्कूल में बुलवाकर स्कूल संस्था द्वारा स्कूल बैग, कॉपी, पेन आदि पालकों से ही छात्रों को निःशुल्क भेंट किए गए। बच्चों के खेलने पढ़ने की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही जोशी ने बताया कि हमारा एक लक्ष्य है कि एक वर्ष में हम छात्रों को 6 ड्राइविंग बुक दें, जिससे कि वह चित्रकला में रुचि रखकर एक अच्छे पेंटर बन सके। झकनावदा से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल जैसी यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं, अच्छा स्कूल बिल्डिंग है, बच्चों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है, खेलने के लिए खेल का ग्राउंड है, खेलने के लिए पर्याप्त सामग्री है और अध्यापन के लिए जो शासकीय निःशुल्क जो पुस्तकें मिली है वो तो हमने वितरण कर ही दिए। साथ ही स्कूल की ओर से जो नवप्रवेशित बच्चे हैं उनको पालकों के हाथों स्कूल बैग, इसके बाद लर्निंग बुक्स, प्राइवेट जैसी सभी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे हमने सुना है। यहाँ पानी पीने के लिए बच्चों को भी कुछ विशेष व्यवस्थाएँ दी जा रही है। हाँ, पानी पीने के लिए यहाँ की जो व्यवस्था देख करके कई गांव के जो गणमान्य नागरिक बंधु हैं उन्होंने अपनी ओर से कई चीज़ें यहाँ पे डोनेट की है। उसमें एक आरओ भी है जो कि यहाँ के दरबार परिषद सिंह जी और उनके एक साथी सागर रेड्डी जी की ओर से दिया गया है। साथ ही संगीत के लिए हारमोनियम जो कि राजन मिस्त्री संगीतकार की तरफ से दिया गया है और कई प्रकार की चीज़ें। अभी एक हमारे पास खबर आई है कि झकनावदा के गौरव रणछोड़लाल अग्रवाल की ओर से सभी बच्चों को जूते मोजे दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ और किन किन चीज़ों की विशेष क्लासेस लगती है? यहाँ पे हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं, वो भी डोनेट है, ग्राम पंचायत झकनावदा द्वारा दिया गया है, एक और व्यक्ति द्वारा डोनेट किया गया है। साथ ही संगीत के लिए हारमोनियम है, ढोलक है और सभी खेलों को सिखाने की गतिविधियाँ हैं। और जो भी जितना नया हम कर सकें उतना हम यहाँ पर कर रहे हैं।